केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी का मेरठ जिला कार्यालय जंग का अखाड़ा बन गया है। जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी की मौजूदगी में महासचिव चपराना व अन्य में जमकर तीखी नोकझोंक हुई। यहां तक कह दिया गया कि दारू पीकर पार्टी कार्यालय में आया तो फाड़ दूंगा। यहां प्रोटोकॉल, औकात देखने दिखाने, इस्तीफा देने की धमकी और धमकी के प्रतिक्रिया में पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए कहा गया। विवाद का कारण 26 जनवरी पर जिला कार्यालय पर लगने वाले बैनर पर जिलाध्यक्ष का फोटो गायब होना रहा। जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने साफ कहा कि प्रोटोकॉल के तहत जिला कार्यालय पर लगने वाले किसी भी बैनर अथवा होर्डिंग्स में जिलाध्यक्ष का फोटो लगाया जाना अनिवार्य है। जिलाध्यक्ष ने इस सारे वाक्य की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई और फिर बाद में यही वीडियो वायरल भी हो गई। विवाद के दायरे में कार्यालय प्रभारी निरंजन, जिशान व रियाजुद्दीन, जबकि केंद्र में जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी रहे। देखिए वायरल वीडियो। कोई लखनऊ से बना रहा है वीडियो, बना दिया इससे। आओ सुनिए, और जो मैं कह रहा हूँ बंदर कार्यालय पे, अरे सुनिए यार, तो बंद कर ले। आपको जो कहना आप कहिए, मैं कह रहा हूँ आप लखनऊ कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना बातचीत कर रहा हूँ। पार्टी बिल्कुल अनुशासन चलेगी, तरीके से चलेगी, चाहे वो मैं जिलाध्यक्ष हूँ, चाहे आप महासचिव है, चाहे उपाध्यक्ष है। आप कंट्रोवर्सी क्यों पैदा कर रहे? पहले आपने बैनर लगाया, उसमें जिलाध्यक्ष का फोटो नहीं लगा, अंधों को भी दिखता है जिलाध्यक्ष नहीं बैठा। मेरी बात सुनिए, शॉर्ट करिए बात, मेरी बात सुनिए पहले। रियाज भाई मेरी बात, मैं कितना सम्मान कर रहा हूँ, मेरी बात। वीडियो बनवा लेना, वीडियो नहीं, मैं हर चीज की वीडियो बनाऊंगा। अगर आप भी कहेंगे मैं तब भी वीडियो बनाऊंगा, जब आप बोलेंगे मैं तब भी वीडियो बनाऊंगा। मेरी बात सुनिए, किसी के पैरों पे नहीं कुछ नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी की शुरुआत क्यों कर रहे हो? अभी आप लाए, आपका क्या मतलब था? आपने जिलाध्यक्ष का फोटो नहीं लगाया, आप शहर में होर्डिंग लगाओ, मत लगाइए जिलाध्यक्ष का फोटो। मैं तुमसे कहने नहीं जा रहा कि आप मेरा फोटो लगाइए, लेकिन अगर जिला कार्यालय पर कोई भी होर्डिंग लगेगा या कोई भी लगाएगा तो कंपलसरी, चाहे आप पसंद करो या ना करो, उसमें जिलाध्यक्ष का फोटो और दोनों राष्ट्र महासचिव और जो विधायकगण है और राष्ट्र नेताओं का फोटो होने कंपलसरी है। महासचिव का आपको अभी बता दूं, महासचिव का फोटो जरूरी नहीं होता ना पार्टी प्रोटोकॉल में और ना इसमें, और मैं इसमें कह रहा हूँ आपसे, और इस चीज को फुटबाजी ना बनाइए। आपको जिसे पसंद है उसका फोटो लगाइए शहर में या ना लगाइए, लेकिन जब कार्यालय की यहाँ प्रतिष्ठा है, कार्यालय की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखिए। दूसरी चीज, कार्यालय प्रभारी है, इनका मान सम्मान करें या आपका मान सम्मान करें? आप सब कमेटी के हैं, सुनो, कोई रिश्तेदार नहीं है आपस में, मेरी बात सुनना, सब पार्टी के परिवार से बंधे हुए हैं। जो कहूंगा इस कुर्सी में बैठ के सबका ईमानदारी से बात करूंगा, ये सोचना बस। नहीं कोई बता भी नहीं ना, मेरा मुझसे लगने का दादा तो लिख रहा, तू कौन है, मैं नाटक कर रहा हूं, तू क्या कर रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या भाई ये बैठे आप, क्या कर रहे हो भाई? मैं आप आपको मैं तुझे देख लूंगा, भाग आप मैं देख लेना, मेरा तुमने क्या चाहिए आप लोगों से? तुम टाइम क्या दे जाओ बता, तू दारू भी गाया पार्टी वाले में सारे फाड़ दो जो अभी खत्म कराने जा रहे हैं, खत्म कराने को मिल गया, मेरी औकात है,
मेरी औकात देखनी, अपने गाँव में देखना, अपने चाचा के दोनों जना लगा उनके नागर साहब के यहाँ उनके मैंने इनसे बोला माननीय सर, मैंने कहा ये तरीका नहीं है, ये कारण ये है, पार्टी कारण लिया है और पार्टी कारण लेगी गरिमा बना के रखनी है। तो मुझसे कहने लगे, मुझसे गलत बोलने लगे, कहा बोला मैंने तो मैं अरे भाई बोलने का तरीका छोटे पड़ेगा तो पंखे हम कह रहे पार्टी है प्रोटोकॉल है, जब तक हम लोग प्रोटोकॉल के तहत नहीं काम करेंगे तो ये चीजें पार्टी के लिए हित में तो नहीं है। जैसे आप लोगों का प्रोटोकॉल में और भी कोई आता होगा, वो हमें नहीं पता। जैसे व्यवहार सही नहीं था, तुम्हें क्या पता, हम जब मौके पर हमने देखा तो हमने हमें व्यवहार नहीं, इसलिए हमने हस्तक्षेप किया आपके बीच में। आप तुझे देखेंगे फलाने करेंगे, मुझे देखेंगे ना, मुझे आपसे नहीं, मुझे एक काम कर तू, आज तक मैं काम चल रहा हूँ, मैं आपसे काम चल रहा हूँ, समझे, और तुम मुझे बिगाड़ दो, बिगाड़ लो, आप सब यहाँ से मैं नहीं बोलता घर किसी को, तू तो भगवान राजा है। अच्छा जब जब फ्लैग खुला है, जब तुम थे माधेजी जी का फोटो जज भी फैसला करता है ना, देखो तो वो भी या तो देखता है, या तो मेरी बात सुना के लाए, या तो अरे नहीं यार छोड़ो, या तो तुम इतना दम रखो अपना हम पार्टी छोड़ दो यार, रियाज भाई पार्टी तुमसे गई थी, जिला अध्यक्ष का फोटो लगवा दो, तुम मानते नहीं, मुझे पता फोटो हमारा हमारा नाम तक नहीं देता कोई, कल हम यहाँ आए थे सबके नाम गए, हम भी गए, जो आए आदि चौधरी आया था क्या, फिर उसके नाम कैसे आ गया, नाम है आपको जल्दी मैंने लिखी लो, नाम से मतलब नहीं है, जब हम पेपर में नहीं पेपर नहीं पेपर को छोड़ो यार, ये बातें मुझे मत पढ़ाओ, सुनो विज्ञप्ति में नाम है, देखो एक बात सुनो, विज्ञप्ति छोड़ो, ये मैं बहुत पुराना हूँ, इसमें समाजवादी में अध्यक्ष हूँ, उसे जाके लेटर दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मैं इस्तीफा आओ ऐसे ही कदम ठीक है, आप इस्तीफा देना, इस्तीफा दूंगा आओ दे दीजिए, मैं दूंगा इस्तीफा, दे दीजिए आप, हम कह रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं प्रदेश रिकॉर्डिंग करवाओ, आप उस पर ऐसे बोलिए, हाँ कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा दूंगा अपना, ठीक है जी, और किसी को बोलना है, बताओ ये पूछवाओ, हाँ आप बोलिए, आप तुम भी बोल दो, बोलिए, देखो आज जो ये घटना हुई, जब बैनर आया सबसे पहले बैनर आया, और बैनर आने के बाद वो बैनर देखा गया, देखने के बाद उसमें देखा कि आपकी फोटो जिला अध्यक्ष की फोटो नहीं थी, तो हमें लोग जाएंगे हर चलेंगे।
बड़े लोग रहने पड़ रहे हैं हमें ये बताओ ना इतनी मजबूरी में हो क्या होगा ये भारत के राज्य बात हो तुम्हारा कौन लोग कहाँ जा रहे हैं 20 साल से क्या चलेगा जो मैं छोटे दांत साले वो साले पार्टी में आने निकाल दे भाई कोई नहीं निकाल रहा इसको बैठो पहले बात सुनो इस खबर में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए firstbite.tv नमस्कार फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।